रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चौथे पर नहीं आ सकेंगे देवी, लेकिन जिन्हें आना है वो जरूर आएंगे। अनन्या ने शादी का जोड़ा पहना है, यानी कि इसका भी कोई पति। प्लीज मुझे बताइए कि आखिर आपका और आपकी बेटी का मेरे परिवार के साथ क्या रिश्ता है। मुझे कुछ नहीं पता। कम से कम आप तो बता दीजिए कि अनन्या का पति है कहाँ। उस तरफ जाओ, वहीं पर है। तू अनन्या का पति हो ही नहीं सकता। अनन्या का पति क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि अनन्या का पति मैं हूं। क्योंकि अनन्या का पति मैं हूं। मैं हूं। क्योंकि अनन्या का पति मैं हूं। मैं हूं। क्योंकि अनन्या का पति मैं हूं। नामिका, नामिका वो देखो देखो, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि नामिका प्लीज। नामिका बोला ना, मैं अनन्या का पति और मैं क्यों नहीं हो सकता अनन्या का? क्योंकि अनन्या का पति मैं हूं। We'll be right back.
अनामिका क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? बहू बात क्या है? अनामिका आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या बात? मैं बहू हूं, अपनों के बीच पराई औरत हूं मैं, इस खानदान की बहू अनन्या है, अनन्या। हे भगवान, ये सब क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे खिलाफ, ये कैसी साजिश? पहले अनन्या का नाम माना, फिर अखबार में अनन्या की चौथी की खबर, फिर उसका ये घर, वो माँ, इतने सारे लोग, ये सब। लेकिन मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सच्चाई पता लगा कर रहूंगा। ये सब क्या है, कहां गए सारे लोग? इसमें एक बात तो साबित होती है कि कोई ऐसा एक शख्स है जो मुझे फंसाकर बर्बाद करना चाहता है। अनामिका, अगर तुम्हारे दिल में मेरे बारे में एक बार भी ख्याल आया हो तो तुम यहां से नहीं जाओगी। अनामिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें बेहद चाहता हूं। ये अनामिका क्या कह रही थी? सुना नहीं? अनन्या का नाम ले रही, वो हमारी बहू और अनामिका कुछ भी। मुझे तो लगता है कि किसी ने अनन्या की झूठी कहानी सुनाकर अनामिका को उकसाया है। फूफा जी, अब बस भी कीजिए, बहुत हो गया। कब तक हम लोग अनामिका और अपने आप को गुमराह करते रहेंगे? झूठ छुपाने से सच नहीं बन जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था, एक दिन ऐसा आएगा कि अनामिका के पास हमसे पूछने के लिए हजार सवाल होंगे और हमारे पास उसको जवाब देने के लिए एक भी नहीं। एक छोटी सी खरोच को वक्त ने नासूर बना दिया है और यह सब हुआ है हमारी वजह से। हमने हमेशा खानदान के बारे में सोचा, किसी ने उदय के बारे में सोचा? देवांग, क्या कहना चाहते हो? ये सारे जो हालात हैं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मैं आपसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, अगर आपके पास इन हालात से निकलने के लिए कोई रास्ता है तो बताइए। क्या करोगे तुम, एक दूसरे को दोष देते रहोगे या खुद को बचाते रहोगे? ठीक है, मैं ही गलत हूं। आपके पास रास्ता इन हालात से निकलने का? बेटा, कोई बाहर वाला ही है जिसने अनामिका को उकसाया है, वरना हमारे खानदान का कौन दुश्मन हो सकता है? दादी, सच्चाई तो यह है कि हम खुद ही हमारे दुश्मन। अगर हमने अनामिका को सच सच बता दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। और मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं
जिससे उसका विश्वास फिर से हासिल कर सकूं। माँ, मैं आज तक सिर्फ आप ही के कहने पे खामोश था। वासुदेव, उस खामोशी में हम सब की भलाई थी, वरना तुम्हारा घर बनने से पहले उजड़ जाता। हालात किसी के हाथ में नहीं थे। एक बात बताओ दे, तुम तो पूजा से शादी करने वाले थे ना, फिर अचानक अनामिका इस घर की बहू कैसे बन गई? कुछ कर पाए तुम? देखो उदय, उस वक्त जो हमने फैसला किया था हमने सही समझा उसे। अब गलत हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप लोगों ने मुझसे ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। जब से मैं इस घर में आई हूं तब से कई बार मुझे एहसास हुआ मुझसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाकर आप लोगों ने गलती नहीं की, गुनाह किया है, धोखा दिया है मुझे। इतने अरमानों के साथ शादी करके अपने पति के घर आती और उसे ये बात छुपाई जाती है। इतने महीने साथ रहने के बाद उसे पता चलता है कि उसका ये पति पहले से ही शादीशुदा है। क्या हक था तुम्हें मुझसे मेरी जिंदगी मांगने का? अनन्या पर क्या बीत? अनन्या मर चुकी है। कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम उदय। अनन्या के मरते ही तुमने मेरे साथ अपना घर बसा लिया। नहीं, मैं ऐसे लोगों के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूं। अनामिका, अनामिका, क्या बच बनाई है? अनामिका मेरी बात तो सुनो, तुम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कर रही हो तुम? कहां जा रही हो अनामिका? तुम घर छोड़ के जा रही हो? मुझे छोड़ के जा रही हो अनामिका? प्लीज हट जा मेरे रास्ते से। नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम सिर्फ इतना जानती हो कि अनन्या मेरी पत्नी थी, पूरा सच नहीं जानती तुम। मुझे भी कुछ कहने का हक है कि नहीं? हाँ, उसके बाद भी तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तो तुम जा सकती हो। लेकिन प्लीज मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। प्लीज, प्लीज। अनन्या और मैं पहली बार 3 साल पहले मिले और पहली नजर में ही हमारा प्यार हुआ। हाय, आई एम उदय। अनन्या, अनन्या आप बहुत ही खूबसूरत हैं। क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? ओके। आपने कौन सी कॉलेज में कहा कि आप हैं? नेशनल। वैसे मैंने आपसे कहा नहीं था कि मैं कौन से कॉलेज में। मैं चलूंगा। सी यू लेटर। ओके, बाय। ओके, बाय।
आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? वाओ, ये मेरे लिए है। ऑफ कोर्स, अपना ये हाथ दो। सी, इट फिट्स यू परफेक्टली। इट्स ब्यूटीफुल। उदय, हम कितने दिनों से यूं ही छिप छिप कर एक दूसरे से मिल रहे हैं, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। जब हम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर देर किस बात की है? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो। तुम इस बात की फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। नहीं उदय, अगर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे बिना किसी शर्त के और खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, हम सिर्फ तब शादी करेंगे, वरना हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। ओके? घर वालों ने मेरी और अनन्या की शादी के लिए खुशी खुशी इजाजत दे दी। अनन्या आहूजा खानदान की बहू बनकर घर में आई। आतिश बहू और पत्नी बनकर अनन्या ने सभी का दिल जीत लिया। तुम तैयार हो ना? जी, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैंने तो सुना था कि औरतों को बहुत समय लगता है तैयार होने में। आपने गलत सुना था, आज साबित कर दिया ना मैंने। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, ये बिंदी तुम पे बहुत जचती है। Bye.